नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जो अज्ञान प्राइवेट लिमिटेड में। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक नए कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी लेकर। दोस्तों आज का जो कैंपस प्लेसमेंट होने वाला है वो भारतीय डाक सेवा विभाग का होने वाला है, जो कि भारतीय डाक दोस्तों इंडिया पोस्ट विभाग है, जो कि पूरे भारत में डाक सेवा देता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे इसमें वैकेंसी निकल कर आई है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है दोस्तों। ऑल इंडिया ये आपको जॉब मिलने वाली है बिना पेपर के दोस्तों, ओनली मेरिट लिस्ट पे आपको जॉब मिलने वाली है। तो दोस्तों बिना एग्ज़ाम के आपको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी अगर आपके नंबर अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों बिना टाइम ख़राब किए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, समझाते हैं सारा कुछ क्राइटेरिया। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर भी क्लिक करें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, समझाता हूँ सारा कुछ क्राइटेरिया। तो दोस्तों हम आ गए हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक विभाग में 10वीं पास के लिए 38,926 पदों के लिए बम्पर भर्ती आई है दोस्तों। कोई भी परीक्षा नहीं होगी, डायरेक्ट आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पे टोटल वैकेंसी 38,926 पदों पर होनी है, सरकारी नौकरी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ भारतीय मूल कैंडिडेट फॉर्म ही भर सकते हैं और कोई नहीं भर सकता दोस्तों। और योग्यता की बात करें तो दोस्तों सभी 10वीं क्लास के बच्चे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ से आप जाके उस पर क्लिक करके डायरेक्ट फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी और केवल सबसे पहले इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा दोस्तों, जो कि आप आगे बताएंगे इसमें वीडियो में। फ़ीस कितने लगेगी दोस्तों, फ़ीस आपकी SC ST PH फीमेल इन सभी के लिए 0 रहेगी। और दोस्तों जनरल OBC स्टूडेंट के लिए फ़ीस 100 रुपये लगने वाली है दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या स्टेट वाइज वैकेंसी आई है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2022 स्टेट वाइड। दोस्तों यहाँ पे असम में दोस्तों आप देख सकते हैं 1143 भर्ती हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश में 1716, बिहार में 990, छत्तीसगढ़ में 1253 दोस्तों। और ऐसे ही दोस्तों दिल्ली की बात करें दोस्तों, दिल्ली में 60 वैकेंसी है, गुजरात में 1901, हिमाचल प्रदेश में 1007, हरियाणा में 921, जम्मू कश्मीर में 265। और दोस्तों इसी के साथ साथ झारखंड में आप देख सकते हैं 610 हैं, कर्नाटका में 2410 हैं, केरला में 2203 हैं, मध्य प्रदेश में 4074 है, महाराष्ट्र में 3026 हैं। और दोस्तों पंजाब की बात करें तो पंजाब में 969 हैं, और राजस्थान में 2890 हैं, और तमिलनाडु में 4810। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें उत्तर प्रदेश की, तो दोस्तों आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 2519 दोस्तों रहने वाली। दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी ये निकाली गई है 38,926, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांस आपको दोस्तों इसमें नौकरी के मिलने वाले हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया की, दोस्तों आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया दोस्तों जैसे कि पहले इंडिया पोस्ट पर भर्ती में अभी तक तो कोई एग्ज़ाम डाक सेवा हेतु आयोजित नहीं किया गया है दोस्तों। आपका सिलेक्शन जो है मेरिट के आधार पर होगा, 10वीं के अंकों के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, जिसके बाद जिसकी अच्छी मेरिट में कटाव में आएगा उसको वरीयता दी जाएगी, उसको जॉब दी जाएगी दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन की तिथि क्या रहने वाली दोस्तों। आवेदन की तिथि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, आवेदन की शुरुआत 2 मई से हो चुकी है और 5 जून 2022 तक चलने वाली, इसके पश्चात दोस्तों आवेदन पत्र सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों 2 मई से लेकर 5 जून तक आप अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या उम्र सीमा दी गई, तो दोस्तों 18 से 40 साल के कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद में कास्ट के अनुसार आपको उम्र की छूट भी दी जाएगी दोस्तों, अगर SC ST में आते हैं तो छूट मिल जाएगी आपको 5 साल की। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सैलरी की क्या मिलने वाली है, तो दोस्तों सैलरी आपको पोस्ट ऑफिस मैनेजर यहाँ के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं 12,000 रुपये प्रति महीना रहने वाली है दोस्तों। इसमें 4 घंटे की आप ड्यूटी रहेगी,
और दोस्तों जो इसमें ग्रामीण पोस्ट वितरक होंगे, जो डाकिया होंगे, उनके लिए दोस्तों 10,000 रुपये प्रति महीना दी जाएगी। ड्यूटी समय 4 से 5 घंटे रहने वाला है दोस्तों। और दोस्तों ये ड्यूटी आपके ही लोकल एरिया में मिलने वाली है। और दोस्तों मेन बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दोस्तों क्लिक हियर पर टच करके आप फॉर्म पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, फॉर्म को दोस्तों जिसके बाद भर पाएंगे। दोस्तों इसका जो है नोट ऑनलाइन करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जाके उसको टच करके लिंक पे डायरेक्ट ही फॉर्म पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे और भर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसको बिल्कुल भरे फॉर्म, क्योंकि दोस्तों SC ST PH फीमेल ये दोस्तों बिल्कुल फ्री है, और OBC वाले जनरल वाले भी भरें, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल फ्री जॉब है। अगर आपकी दोस्तों लक और नंबर अच्छे होंगे तो दोस्तों आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों 4-5 घंटे की ड्यूटी है और अच्छे खासे आपके एरिया में पैसे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यही है हमारे आज के कैंपस की जानकारी। दोस्तों अगर हमारे आज के कैंपस की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे दोस्तों। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।